अब यार मैं पेपर कर रहा हूँ अपना फाइनल टर्म के एग्ज़ाम का, ठीक है। ये MCQs किए जो मुझे आते होते हैं, वो किए किए किए, ठीक है, ये सही होगा। सारे MCQs कर लिए, सब्जेक्टिव भी आए। यार ये भी नहीं आता ऑब्जेक्टिव, तो यार इसमें तो कोई भी नहीं आता। चलो कुछ ना कुछ लिख दूंगा। अब पेपर करते 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 जहन एकदम से ना रिवर्ट मोड में चला जाता है। यार मैंने 30 MCQs किए हैं, तो 40 MCQs हैं, मैंने 30 किए हैं। चलो 10 इसमें से ठीक हो जाएंगे। अगर 10 ठीक हो, लेट्स सपोज 10 नंबर मेरे अगर आ गए ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव में चलो अगर अपने आप से भी लिखता हूँ तो 10 नंबर वहाँ से आ जाएंगे, 20 नंबर। अब पास कितने वाला फाइनल टर्म में ये भी नहीं बताना। अच्छा, 60% वेटेज का मतलब ये होगा कि मेरे ख्याल में हमें फिर 60% नंबर लेने हैं, यानी कि 30-35 नंबर लेने हैं। नहीं यार ऐसे नहीं है, लेकिन सर ने तो कुछ और बताया था ग्रुप्स में, तो कुछ और ही आ रहा था यार कि कितने वाला पास है। नहीं अभी देखो ना, लेट्स सपोज अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लगाते हैं, यार 40 MCQs है ना, 40 में से 33 करने हैं, 33 में से अगर मेरे लेट्स सपोज अगर 15, चलो 15 ठीक हो जाते हैं। अच्छा अपने आप से ही 15, वैसे ही 15 ठीक हो जाते हैं। अच्छा 15 ठीक हो जाएँ तो, 15 अगर ठीक हो जाएँ तो 10 नंबर अगर मेरे सब्जेक्टिव में आ जाएँ तो ये कितने बन जाए, 15 और 10 25 हो गए। 25 वाला तो मेरे ख्याल में पास कर देते हैं, बाकी मिड टर्म भी मेरा अच्छा हुआ था, ठीक हुआ था, पास हो जाऊंगा ना मैं इंशाल्लाह। अच्छा ये पेपर करते करते ना ये स्टूडेंट्स के ख्याल चल रहे होते हैं जहन में, एकदम से ना आ जाता है यार नहीं अभी दोबारा से। लेट सपोज मैंने मेरे 33 में से चलो कम से कम भी अगर हम नंबर लगाएं, अगर 12 नंबर आ जाएँ तो 12 नंबर इधर से आ जाएँ, और 12 ही नंबर अगर हमें सब्जेक्टिव से ले लूँ तो जो भी अच्छा आता कुछ नहीं होगा सब्जेक्टिव में, वैसे ही 12 नंबर में ले लूँ सब्जेक्टिव से। अगर 12 नंबर सब्जेक्टिव में आ जाएँ तो 12 12 24 होते हैं, तो मैं पास तो हो जाऊँगा। अब पता नहीं यार पास कितने वाला है ये भी नहीं पता ना यार। यार ये क्वेश्चन मुझे आ रहा था ना, काश पढ़ लेता ना, काश एक दिन और होता मेरे पास, सिर्फ एक दिन और होता ना, तो मैंने वर्ड देनी थी किताबें। यार शिट, एक दिन और होता काश पढ़ लेता। अच्छा 6 महीने जो वीयू ने दिए हुए थे पहले उसमें नहीं याद आया, और जो पेपर के पेपर से पहले के जो दिन थे उनमें भी याद नहीं आया, आखिरी 2 घंटे में। यार काश पढ़ लेता यार, पढ़ लेता, क्यों नहीं पढ़ा मैं। अच्छा नहीं ना अभी भाई पास कैसे हो सकता हूँ यार, मुझे भी तो MCQs भी अच्छे नहीं हुए। अच्छा चलो MCQs मतलब कुछ तो तुक्के सही लगे होंगे ना, अगर मैं 12 चलो 10 MCQs अगर मेरे ठीक हो जाएँ, 10 मेरे सब्जेक्टिव में आ जाए, 20 नंबर बनते हैं, 60 में से 20 वाला तो यार ये तो नहीं पास होगा, ये तो फेल होगा यार, काश एक दिन और मिल जाता तो ये हमेशा की तरह मैंने ये भी वीडियो बनाई है, तो अच्छी लगी हुई तो बताना। ओके।